हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर 4 ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफर में ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। तो थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, बाकी हाँ यहाँ पर मेरा गेम ओपन हो गया था। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये गेम इंटरनेट और वाईफाई के बिना यहाँ पर वर्क कर रहा है। और मेरी जो प्रोफाइल है ये भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है, वो स्टार्ट ही है मेरी प्रोफाइल। तो इसका मतलब कि ये एक ऑफलाइन गेम है। थोड़ा सा ही है क्या है ना, गेम मेरा थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं है मेरे मोबाइल में, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके से G7YT की एक प्रोफाइल थी ऐसे। हाँ, एक मल्टीप्लेयर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी इसमें कि आप इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू गेम को प्ले कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अब हम स्टार्ट गेम पर ही क्लिक करने वाले हैं एंड मैं आपको थोड़ा गेम प्ले इसका दिखाऊंगा। ऐसे गेम 600 MB के आसपास में है। एडिशनली गेम में तो कुछ लगता नहीं है, बहुत पहले मैंने डाउनलोड करा था तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। बाकी हाँ, एक बार मुझे फिर भी कंफर्म होना पड़ेगा, बट स्टिल यहाँ पर गेम जो है ना कुछ इस तरीके से हमारा लोडिंग स्क्रीन पे है अभी तो। एंड ओके पर मैं क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरीके से हमारा गेम यहाँ स्टार्ट हो चुका है। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले दिखा दूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरी प्रोफाइल पर अगर मैं क्लिक करूँ तो सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग के ऑप्शन में ना आपको मैं थोड़ा मेरी ग्राफिक्स क्वालिटी चेक कराना चाह रहा हूँ। तो वो ग्राफिक्स क्वालिटी मैं किधर से चेक करा सकता हूँ आपको, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है हाई है एकदम ग्राफिक्स क्वालिटी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर और मतलब कुछ भी ग्राफिक्स के रिलेटेड सेटिंग नहीं दी गई है। तो वो जो भी है मैंने वो कर दिया है। यहाँ अचीवमेंट है, प्लेयर प्रोग्रेस है, स्किल्स है, और बाकी यहाँ पर जॉब है, मोटर पुल है, व्हीकल्स है, और क्या क्या है अपने को पता नहीं है। तो अपन ना बैक ही हो जाते हैं। बैक होने का ऑप्शन इधर से आएगा शायद। एंड ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं गेम मतलब अच्छा है काफ़ी। मेरे को तो जब मैंने इस गेम के ऊपर में शायद अपने मेन चैनल पे बताया है, मैंने उस टाइम पे यहीं पे मैं रुका हुआ था क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग था। अब मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ कि मेरे को गाड़ी मोड़नी कैसे है। और कुछ इस तरीके से मोड़ने का तो मैं भूल ही गया हूँ यार, किस तरीके से मोड़नी थी गाड़ी को मेरी। और ये कुछ इस तरीके से अभी तो वो हो गया है, और कुछ ऐसे में भी तो नहीं मोड़ रही है। कुछ तो ऑप्शन था अच्छा, मगर याद नहीं आ। अच्छा हाँ सॉरी, कुछ इस तरीके से इधर में है, मतलब मैं टर्न नहीं ले पा रहा था। और यहाँ पर से मुझे थोड़ा अपने पाथ पे जाना पड़ेगा, जिस पाथ पे मेरे को जाना है ना वो कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ में है। तो मुझे थोड़ा मेरी गाड़ी को आगे करना पड़ेगा। एंड 3 ऑप्शंस भी वर्किंग है यहाँ पे, मतलब तीन कंट्रोल्स भी लेता है, सपोर्ट करता है गेम। एक काम करता हूँ, इधर मैं थोड़ा सा करके और ट्रक में मेरी को निकालना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पीछे ही ले लेता हूँ पूरा और अब आगे जाता हूँ, क्योंकि ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ट्रक मेरा बहुत ही फंसा हुआ है यहाँ पे एकदम। तो इधर से इधर जाता हूँ, थोड़ा सा इधर आता हूँ और इधर जाता हूँ और फिर इधर जाता हूँ। अब आप जैसे कि चेक कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम रोड पर आ गए हैं, थोड़ा ट्रक को वो कर पाना मुश्किल था, मगर कोई ना, हमने वो चीज़ कर ली है। अब मेरा टाइम भी बढ़ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम सिटी एरिया में इंटर कर चुके हैं। और सिटी एरिया में जैसे ही हम जा रहे हैं तो यहाँ आपको कैमरा एंगल में चेंज करके दिखाता हूँ। अब मैं ड्राइवर सीट पे बैठने वाला हूँ और ड्राइवर सीट पे ही मैं जो है आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आगे चलता हूँ। ये जो है ना अनलोड करने का ऑप्शन है, सॉरी ये जो है ना ये अनलोड करने का ऑप्शन है। तो चीज़ें रनिंग और रेड लाइट, अब रेड लाइट पे ही मैंने गाड़ी चला दी है तो थोड़ा मेरी पेमेंट में से कुछ फीस ऑफ मतलब जो भी अमाउंट है वो कट गया है। अब कुछ इस तरीके से अभी तो मैं अपना काफ़ी स्पीड में चल रहा हूँ एंड यही रूट पे चलना। आप ऊपर में मैप देख सकते हैं, मैप को सॉरी दबाने पर वो भी हो जाता है। और ये बहुत ही स्पीड में हो गई है मेरी ट्रक, थोड़ा सा मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। और कुछ इस तरीके से अब हम आगे चल रहे हैं। बाकी गेम खेलने में तो मज़ा आ रहा है। एक तो मेरे को कॉल का बहुत डर लगता है, क्योंकि कॉल आ जाता है ना तो मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है, उसकी सेटिंग मुझे चेक करनी पड़ेगी। बाकी हाँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, अभी तो मैं काफ़ी स्पीड में भी चल रहा हूँ तो अब स्पीड में ही चलेंगे हम एकदम। और यहाँ पर अब हम थोड़ा पहुँचने ही वाले होंगे शायद, मेरी डेस्टिनेशन बहुत दूर दिख रही है मेरे को। और यहाँ पर से हम गिर गए तो बस यही था वीडियो के लिए था। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।